क्या आप जानते हैं चींटियों की कुछ प्रजातियाँ अच्छी फार्मर्स होती हैं, जो खेती भी करती हैं और पशुपालन भी। चींटियों का ये बिहेवियर आपको अन्य कीटों के मुकाबले काफी दिलचस्प और दुर्लभ लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चींटियाँ खेतों में अनाज नहीं बल्कि कुकुरमुत्ते की फसल उगाती हैं। चींटियों की लगभग 100 प्रजातियाँ कुकुरमुत्ते की खेती करने में एक्सपर्ट होती हैं, और ये काम होता है पेड़ पौधों की पत्तियों को काटकर अपनी बस्ती में लाना और फिर पत्तियों को एक जगह पर इकट्ठा कर देना। उसके बाद चींटियाँ पत्तियों को अपने दांतों से पीसकर जमीन के अंदर फैला देती हैं। और कुछ ही दिनों के भीतर नमी के कारण पत्तियों में कुकुरमुत्ते उगते हैं, जिन्हें चींटियाँ बड़े आराम से खाती हैं। चींटियों के लार में कुछ ऐसा केमिकल होता है जो एक ही किस्म के कुकुरमुत्ते को पनपने देती हैं। इनका खेती करने का ये तरीका आपके दिमाग को आश्चर्य में डाल सकता है। रही बात चींटियों के पशुपालन की, तो चींटियाँ ना तो गाय पालती हैं और ना ही भेड़ बकरी। इनका एक ही पशु होता है जिसका नाम होता है एफिड। एफिड एक छोटा सा कीट होता है जिसे चींटियाँ अपने घरों में या फिर पेड़ों के तनों में कैद कर लेती हैं। जब चींटियों को भूख लगती है तो ये चींटियाँ अपने पालतू पशु एफिड कीट की पीठ थपथपाती हैं, और एफिड तुरंत अपने पेट के पिछले हिस्से से लिक्विड जैसा एक तरल पदार्थ निकालते हैं जो कि जूसिक और स्वीट होता है, जिसे चींटियाँ एक ही बार में गटक जाती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एफिड कीड़ा चींटियों को गुलाब जामुन जैसी मीठी मिठाइयाँ देता है, लेकिन चींटियों को इसकी भरपाई भी करनी पड़ती है। एफिड कीड़ा बहुत ही नाजुक जीव होता है। चींटियाँ एफिड कीड़े की सुरक्षा में तैनात रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, और एफिड कीड़े बदले में चींटियों को उनकी पसंदीदा खुराक देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब सर्दियों का मौसम नजदीक आने वाला होता है, तब चींटियाँ अपने पशु एफिड के अंडों को चुरा कर अपनी बस्ती में इकट्ठा कर लेती हैं, और जैसे ही बसंत के मौसम की शुरुआत होती है, तब चींटियाँ एफिड के अंडों को खरपतवार में जोड़ देती हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि चींटियों का आपस में ब्लड रिलेशन होता है या नहीं? आखिर चींटियाँ एक के पीछे एक लाइन बनाकर क्यों चलती हैं? क्या चींटियों के पास आँख और कान होती हैं? इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर कई सालों तक रिसर्च की है। चींटियों के एक विशाल कॉलोनी जिसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा सदस्य मौजूद होते हैं, वैज्ञानिकों का ये सबसे बड़ा काम था कि उन चींटियों के व्यवहार के बारे में पता करना। जब वैज्ञानिक चींटियों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तब एक दिलचस्प बात पता चली। चींटियों के मेंबर्स 3 ग्रुप्स में बटे होते हैं। पहला ग्रुप वर्कर आंट्स का होता है, दूसरा ग्रुप सोल्जियर आंट्स का होता है, और तीसरा ग्रुप सुपरवाइज आंट्स का होता है, यानी कि देखभाल करने वाली चींटियाँ। इन तीनों ग्रुप्स में चींटियों को उनकी नॉलेज, स्किल और साइज के आधार पर रखा गया था। इन तीनों ग्रुप की चींटियों की मेहनत से बनती है एक खूबसूरत कॉलोनी, लेकिन वर्कर आंट्स, सोल्जियर आंट्स और सुपरवाइज आंट्स इतनी मेहनत किसके लिए करती हैं? इन सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, क्वीन आंट्स। क्वीन आंट्स इन तीनों ग्रुपों की सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होती हैं, जिसके लिए सभी चींटियाँ इतनी मेहनत करती हैं। क्वीन आंट्स का एक ही काम होता है, सिर्फ एक कोने में चुपचाप पड़े रहना और अंडे देना। जब क्वीन आंट्स के ऊपर कई दिनों तक नजर रखी गई, तो देखा गया कि सुपरवाइज आंट्स यानी कि देखभाल करने वाली चींटियाँ क्वीन आंट्स के चारों ओर घेरा बनाकर उसकी देखभाल करती थी और क्वीन आंट्स को खाने की पूरी सुविधा प्राप्त करती थी। लेकिन सुपरवाइज आंट्स का सबसे बड़ा काम है क्वीन आंट्स के अंडों को एक जगह पर इकट्ठा करना और अंडों से झिल्लियों को निकालना। अंडों की साफ सफाई और देखभाल जितनी अच्छे तरीके से होगी, बच्चे भी उतने अधिक स्वस्थ पैदा होंगे। सुपरवाइज आंट अपने मुंह से चिपचिपा रासायनिक पदार्थ को लार्वों के मुंह में डालती हैं, और यही चिपचिपा पदार्थ चींटियों के बच्चे यानी कि लार्वों को भोजन देता है। प्रत्येक सर्वाइव आंट्स
बार बार चेक करती हैं कि क्या सभी लार्वों को खाना दिया गया है या नहीं। वास्तव में कहा जाए तो चींटियों को जन्म देने वाली माँ क्वीन आंट्स ही होती हैं और पालने पोसने वाली माँ सुपरवाइज आंट्स होती हैं। कॉलोनी की सभी चींटियाँ बच्चों को नहीं पालती हैं। कुछ चींटियाँ पूरा दिन काम करती रहती हैं। वर्कर आंट्स का काम होता है कॉलोनी की हर चींटी का पेट भरना। वर्कर आंट्स का आधे से ज्यादा समय खाना ढूंढने में बीत जाता है। क्वीन आंट्स और सुपरवाइज आंट्स कभी भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलती हैं। क्वीन आंट्स और सुपरवाइज आंट्स तब बाहर आती हैं जब सभी चींटियाँ किसी नए बिल का चुनाव करती हैं। अंडों को नए बिल में ले जाने का काम भी वर्कर आंट्स का ही होता है। चींटियाँ हर चीज को पचाने में एक्सपर्ट होती हैं और कुछ भी खा सकती हैं। चींटियों के खाना ढूंढने और उस खाने को अपने घर तक ले जाने में दिलचस्प बात ये है कि अगर किसी भी चींटी को पता चलता है कि किसी जगह पर खाने की चीज रखी है तो वो तुरंत अपनी साथी चींटियों को बताने के लिए अपने घर की ओर चल देती हैं। लेकिन वो सीधे घर की ओर नहीं जाती। वो बड़ी चालाकी से अपने पेट को जमीन से बार बार सटा के चलती हैं ताकि उनकी गंध जमीन पर छूट जाए। और जैसे ही चींटी अपनी साथी चींटियों के पास पहुंचती हैं, तो वो इशारा करती हैं और सभी चींटियाँ उसके पीछे पीछे चल देती हैं। तब उसी चींटी के द्वारा छोड़ी गई गंध की मदद से वो उस खाने के पास पहुंचती हैं और उसी गंध के सहारे वर्कर आंट्स एक लाइन बनाकर एक दूसरे के पीछे पीछे चलकर खाने के पास पहुंचती हैं और खाने को अपनी बस्ती में ले जाती हैं। सभी कीटों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है चींटियों का स्मॉल साइज और इसी साइज के चलते कई शिकारियों की नजर इनके ऊपर ही रहती है। लेकिन आप गलत फहमी में हैं। इनका छोटा साइज देखकर जो भी कीट इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो कीट जान से हाथ धो बैठता है क्योंकि इनका एक ही ग्रुप अटैक काफी होता है। चींटियों से पंगा लेने वाले बड़े कीटों के भी पसीने निकल जाते हैं। सोल्जर आंट्स ग्रुप की सबसे डेंजर आंट्स होती हैं। हर प्रजाति की चींटियों की कॉलोनी में सोल्जर आंट्स जरूर होती हैं। नुकीले दांतों से लैस सोल्जर आंट्स का एक ही काम होता है, अपनी बस्ती की सुरक्षा करना। सिपाही की तरह तैनात रहने वाली सोल्जर आंट्स के जबड़े में दो बड़े नुकीले दांत होते हैं जिसकी मदद से वो अपनी कॉलोनी को हर खतरे से दूर रखती हैं। सीधी सादी सी दिखने वाली चींटियों का भयानक रूप तब देखने को मिलता है जब वो अपनी कॉलोनी की लड़ाई किसी दूसरी कॉलोनी की चींटियों से लड़ती हैं। इस लड़ाई में काफी चींटियां मारी भी जाती हैं। चींटियां अपने आप में ही कुदरत का एक बेहद खास क्रिएचर है। चींटियां सुपर आर्किटेक्चर भी होती हैं। कुछ चींटियों की प्रजाति जमीन के भीतर रहती है तो कुछ पेड़ पौधों की पत्तियों में अपना घोंसला बना लेती हैं। जो चींटियां पेड़ के पत्तों पर घर बनाती हैं, उनका घर बनाने का तरीका भी बहुत मजेदार होता है। चींटियां सबसे पहले एक दूसरे को पकड़कर एक श्रृंखला बनाती हैं, फिर पत्तों को पास पास खींच लेती हैं। पत्तों को आपस में जोड़ने के लिए रेशों की जरूरत होती है। चींटियों को रेशे इल्लियों से प्राप्त होते हैं। इल्लियाँ एक प्रकार का रेशम कीट होता है। चींटियाँ इल्लियों को जबरदस्ती उठाकर पत्तों के पास लेकर जाती हैं। उसके बाद चींटियाँ इल्लियों को गुदगुदाती रहती हैं ताकि इल्लियाँ रेशों को निकाल दी जाए। रेशों की मदद से पत्ते आपस में जुड़ जाते हैं। इतना खींचातानी करने के बाद एक खूबसूरत आंट हाउस तैयार होता है। सभी चींटियों के घर बनाने का तरीका सेम नहीं होता है। चींटियों की कुछ प्रजाति जमीन के नीचे घर बनाती हैं, जिनके रास्ते घरों के अंदर कई कमरों को जोड़ने वाले होते हैं। चींटियों को बहुत सारी मिट्टी खोद खोद कर उसे बाहर निकालनी होती है। खोदी गई मिट्टी से जमीन के ऊपर एक टीला सा बन जाता है। जमीन के नीचे बने ये घरौंदे बहुमंजिला होते हैं। सर्दियों में चींटियाँ ऊपरी मंजिल में रहती हैं, लेकिन गर्मियों का मौसम आते ही चींटियाँ निचली मंजिल में चली जाती हैं। चींटियों को अपना घर बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छोटी सी दिखने वाली चींटियों के दिमाग में कुल 2.5 लाख मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, जिसके सहारे
वो अपना नन्ना सा दिमाग दिन रात चलाती रहती हैं। लेकिन क्या चींटियों के पास कान और आंखें भी होती हैं? इसका जवाब है नहीं। कुदरती रूप से चींटियों को मिली ऐसी शक्ति जिसकी मदद से वो हर चीज को भांप लेती हैं। उनके सिर के आगे मूवमेंट करते हुए दो अंग जो कैच करते हैं किसी भी तरह की वाइब्रेशन को। चींटियां अपने पांव और सिर की तंत्रिका कोशिकाओं की मदद से हलचल का पता लगाकर उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि चींटियों को अपनी बॉडी और माइंड को चार्ज करने के लिए सोने की जरूरत भी नहीं होती। चींटियां दिन में काम करने के दौरान चलते चलते छोटी छोटी झपकियां लेकर काम चलाती हैं। क्वीन आंट की उम्र 14 से 15 साल तक होती है, लेकिन वर्कर आंट्स 5 से 6 साल तक ही जीवित रहती हैं। चींटियों का जीवन काल चींटियों की विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। मेल आंट्स मीटिंग करने के तुरंत बाद मर जाते हैं। चींटियां अपने ग्रुप आंट्स और बेबी आंट्स के लिए इतनी समर्पित होती हैं कि वो अपनी जान की कुर्बानी देने में भी नहीं हिचकिचाती। लेकिन कुछ कीटों का बिहेवियर अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए प्रकृति के भरोसे छोड़ देती हैं, भले ही उनके अंडे बचे या ना बचे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उड़ती हुई रंग बिरंगी तितली अपने अंडों को पौधों की पत्तियों पर छोड़ जाती हैं। अंडे देने के लिए फीमेल बटरफ्लाई एक विशेष जाति के पौधे का चुनाव करती है जिसमें बच्चे आसानी से पनप सकें। दूसरे पौधों की पत्तियों पर बच्चे मर जाते हैं। अंडे देते समय कुछ तरल पदार्थ भी निकलता है जो सूख कर अंडों को पत्तियों पर चिपका देता है। अंडे बड़ी मजबूती के साथ पत्तियों से चिपक जाते हैं और तब तक पत्तियों से अलग नहीं होते जब तक पत्तियां टूट कर नहीं गिर जाती। गेहूं के दाने से भी छोटे इन अंडों की संख्या लगभग 300 से लेकर 400 के बीच हो सकती है। लगभग एक सप्ताह बीतते ही अंडों से निकल पड़ते हैं तितलियों के बेशकीमती बच्चे जो साइज में काफी छोटे होते हैं। अंडों से निकले मेल बटरफ्लाई की संख्या फीमेल बटरफ्लाई की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। बेबी बटरफ्लाई का सबसे पहला काम होता है अपने अंडे को भोजन का निवाला बनाना। जन्म लेते ही बच्चे सबसे नाजुक चीज यानी कि अपने ही अंडे की परत को खाते हैं। जैसे जैसे बच्चों का साइज बड़ा होता है वैसे ही इनकी भूख भी बढ़ती जाती है। पत्तों को खाकर लार्वा 10 से 12 दिनों में 3 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो जाता है। बढ़ते शरीर के साथ ही लार्वे का रंग और रूप भी बदलता जाता है। 4 से 5 बार अपनी त्वचा बदलते ही लार्वा 5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। पूरी तरह से विकसित हो चुका ये लार्वा अब तितली में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। इस स्टेज में तितली का लार्वा पौधे की पत्तियों को खाना छोड़ देता है। अब लार्वा अपने मुंह से चिपचिपा पदार्थ पौधे की पत्ती पर छोड़ता है, जिसके बाद ये लार्वा अपने शरीर का पिछला हिस्सा चिपचिपे पदार्थ से जोड़ देता है ताकि वो पत्ती से नीचे ना गिर सके। लार्वा चिपचिपे पदार्थ से लटक कर शरीर के चारों ओर एक सुरक्षित कठोर खोल बना लेता है जिसे प्यूपा कहते हैं। तितली का जन्म प्यूपा से होता है। प्यूपा के अंदर तितली लगभग 12 दिनों तक निष्क्रिय पड़ी रहती है। 12 दिन बीतने के बाद इसके अंदर तितली आसानी से दिखाई देने लगती है और कुछ समय बीतने के बाद इसमें हलचल होते ही प्यूपा को तोड़कर उसमें से एक सुंदर छोटी सी तितली बाहर आती है। प्यूपा के बाहर आने के बाद तितली एक घंटे में अपने पंखों को विकसित कर लेती है और जैसे ही पंख पूर्ण आकार में विकसित हो जाते हैं वो अपनी पहली उड़ान भरते ही दुनिया से रूबरू होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वर्ल्ड एक्सप्लोर वाइल्ड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं काजल शर्मा आपसे मुलाकात करूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।